गुड इवनिंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिए थे कैपिटल गेन्स के। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओगे जरा। ई परचेज्ड अ हाउस ऑन 28 जून 2010 फॉर ₹1,10,000 एंड पेड 10,000 फॉर गेटिंग द प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड इन हिज नेम। ऑन 15 जून 2011 ही स्पेंट ₹80,000 ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ द हाउस। द हाउस वॉज सोल्ड ऑन 21 अक्टूबर 2020 फॉर 15 लाख। कमीशन ऑफ 15,000 वॉज पेड ऑन सेल ऑफ हाउस। कंप्यूट कैपिटल गेन्स। चलो स्टेटमेंट बनाना शुरू करो। हेडिंग लिखना स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन्स। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से। और बेटा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अगर हम देखें तो वो है 15 लाख। 15 लाख, ठीक है। फिर बेटा इसमें से आप पहले माइनस करते हो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। पढ़ना, आपने 15,000 की कमीशन पे करी है। फिर बेटा बताना ये कैपिटल असेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। 2010 में खरीदा था और 2020 में बेचा है, यानी आपने इस हाउस को 10 साल के लिए होल्ड करके रखा है बेटा, तो लॉन्ग टर्म होगा। इंडेक्सेशन करोगे, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा सबसे पहले देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है। 1,10,000 का खरीदा था प्लस ₹10,000 पे करे रजिस्ट्रेशन चार्जेस, तो आपको ये घर 1,20,000 का पड़ा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,20,000 इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। कौन से साल में बेचा है? 2021 में। और 2021 का CII 301 डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन। और बेटा एक्विजिशन हुआ था 2010-11 में। जरा देखना 10-11 का CII, बेटा 10-11 का 167 है, तो 10-11 का CII 167। तो अगर सॉल्व करें टू वन सिक्स टू एट सेवन। बेटा आपने ना इस घर के इम्प्रूवमेंट पे भी खर्चा किया है बेटा 80,000 रुपीज, तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी आ जाएगा। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बेटा कितने रुपए का इंप्रूवमेंट किया था? 80,000 का इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, तो वो तो वही है 301 डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। और इंप्रूवमेंट आपने किया है 11-12 में। देखना बेटा 11-12 का CII 11-12 का 184 डिवाइड बाय 184, लो ये आ जाएगा 80,000 इंटू 301 डिवाइड बाय 184 130870। लो बस ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। तो 113
7843। लो ये आपका आ गया बेटा कैपिटल गेन्स। कॉपी कर लो बच्चे, क्लियर हुआ बेटा क्वेश्चन? अच्छा एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आर एक्वायर्ड अ रेजिडेंशियल हाउस ऑन 1 सितंबर 1998 फॉर 1 लाख। ही स्पेंट 25,000 ऑन 1 जुलाई 2000 फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ द हाउस। अ फर्दर अमाउंट ऑफ 50,000 वॉज स्पेंट बाई हिम ऑन 15 नवंबर 2005 ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ द हाउस। आर गिफ्टेड द सेट प्रॉपर्टी टू हिज सन बी ऑन 12 अक्टूबर 2014। बी ऑल्सो स्पेंट द फॉलोइंग अमाउंट ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ द हाउस। 15 जून 2016 को उसने खर्चा किया है 40,000 का। बी सोल्ड द अबव हाउस ऑन 30 नवंबर 2020 फॉर अ सम ऑफ ₹45 लाख। एक्सपेंसिज ऑन ट्रांसफर वर 2% ऑफ सेल कंसिडरेशन। कंप्यूट कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 अज्यूमिंग दैट फेयर मार्केट वैल्यू टू बी ₹3 लाख। चलो बनाए स्टेटमेंट। हेडिंग लिखो स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन्स। चलो सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। चलो एक बार समझते हैं बेटा क्वेश्चन। देखो बेटा ये घर जो है ना, ये आर ने खरीदा था 1 सितंबर 1998 को, मतलब 1 अप्रैल 2001 से पहले। उसने ये घर अपने सन को गिफ्ट कर दिया, तो गिफ्ट को ट्रांसफर माना नहीं जाता है और आर के हैंड्स में कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा। बट बी जब इस घर को बेचेगा ना, बी ने बेटा ये घर बेचा 45 लाख का, तब तो कैपिटल गेन आएगा ना। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बी के लिए 45 लाख, ठीक है। माइनस क्या करोगे इसमें से? एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, और पढ़ना एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है 2% ऑफ सेल कंसिडरेशन। तो 45 लाख का 2% 90,000 के एक्सपेंसेस। कॉपी करो यहां तक, ठीक है। अच्छा फिर बेटा ये असेट आर ने, प्रीवियस ओनर ने कब खरीदा था? 98 में जाके, और बेचा है 2020 में, तो लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन होगा, आ जाएगा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बेटा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए आपको पहले क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब ये आप मुझे डायरेक्टली बताओगे बेटा, डायरेक्टली। चलो बताओ डायरेक्टली बेटा, आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहिए सन की, क्योंकि हम कैपिटल गेन सन के लिए निकाल रहे हैं। तो सन की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने से पहले आपको फादर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी पड़ेगी। जो फादर की होगी वही सन की हो जाएगी। तो किसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी है? फादर की। और फादर ने ये असेट 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदा था, तो फादर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ₹1 लाख और फेयर मार्केट वैल्यू अब्लिक स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। बेटा इस क्वेश्चन में ना स्टैंप ड्यूटी वैल्यू फिर से नहीं है, तो फेयर मार्केट वैल्यू को ही कंसिडर करके चलना। 3 लाख, तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू 3 लाख, विच एवर इज हायर। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी? 3 लाख। समझ आया? इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। कौन से ईयर में ट्रांसफर हो रहा है? 2021 में।
और 2021 का CII 301 डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन. बेटा एक्विजिशन कौन से ईयर में हुआ था? 98-99 में. बट बेटा 98-99 का CII तो होता नहीं है, तो मैंने कहा था ऐसे केस में कौन सा वाला ले लेना, जो पहला वाला था 2001-2002 का, कितना 100, तो 3 लाख, 9,03,000. बेटा समझ आया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? कॉपी करो यहां तक, ठीक है? अच्छा अब जरा ध्यान से देखना बेटा, अब आती है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की बात. सुनो बेटा, जो आर है ना, उसने 25,000 रुपए का खर्चा किया 1 जुलाई 2000 को फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ द हाउस. याद करो बेटा मैंने क्या कहा था, ये देखो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में बेटा सेकंड पॉइंट पढ़ो, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन इंप्रूवमेंट बाय प्रीवियस ओनर और बाय द असेसी बिफोर 1 अप्रैल 2001 इज टू बी कंप्लीटली इग्नोर्ड. तो याद रखना इंप्रूवमेंट पे बेटा जो भी खर्चा 1/4/2001 से पहले हुआ है ना, कंप्लीटली इग्नोर कर देना, चाहे वो असेसी ने किया है मतलब सन ने, या फिर आर ने किया है फादर ने, इग्नोर कर देना. तो ये वाला खर्चा 1 अप्रैल 2001 से पहले, इग्नोर कर दो इसे, ठीक है? अच्छा आगे, अ फर्दर अमाउंट ऑफ 50,000 वॉज स्पेंट बाय हिम ऑन 15 नवंबर 2005. तो ये तो आएगा 1 अप्रैल 2001 के बाद किया है, माइनस करो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. बेटा कितने रुपए का खर्चा किया है देखना, 50,000 का इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, तो वो तो 301 आ गया, डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट 2005-06 का CII, देखो 5-6 का 117, तो डिवाइड बाय 117, तो 50,000 इंटू 301 डिवाइड बाय 117, 128,632. लो ये आपका इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. अभी और भी है बेटा, अभी और भी है, क्वेश्चन पे आओ. ये देखो बेटा अब क्या हुआ है, उसने कहा बी ऑल्सो स्पेंट द फॉलोइंग अमाउंट ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ द हाउस. बेटा बी ने भी, सन ने भी 40,000 का खर्चा किया हाउस के इंप्रूवमेंट पे 16-17 में, तो ये भी आ जाएगा. कितने रुपए का खर्चा बेटा, 40,000 का इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर 301 डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट 16-17 का देखना, CII 16-17 का 264, तो 40,000 इनटू 301 डिवाइड बाय 264, 45606, बस ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. थर्टी थ्री लाख थर्टी टू थाउजेंड सेवन सिक्सटी टू. कॉपी कर लो बेटा, बच्चे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं जितने हम कर रहे हैं? करें एक और क्वेश्चन, कॉपी कर लो. चलो
एक और करते बेटा, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 6। चलो एक और, 7th, आर एक्वायर्ड लैंड ऑन 6 जुलाई 98 फॉर 1,20,000। ही कंस्ट्रक्टेड ग्राउंड फ्लोर इन द प्रीवियस ईयर 4-5, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वॉज 6 लाख। ही फर्दर स्पेंड्स 4 लाख ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट फ्लोर विच वॉज कंप्लीटेड इन 7-8। एंटायर हाउस प्रॉपर्टी वॉज सोल्ड ऑन 21st October 2020 फॉर 91 लाख। एक्सपेंसिज ऑन ट्रांसफर वर 50,000। FMV was 2 lakh, compute capital gain for assessment year 21-22। सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। हेडिंग लिखो स्टेटमेंट शोइंग, कैपिटल गेन्स, स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन्स। सबसे पहले आएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो बेटा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने का बेचा हाउस प्रॉपर्टी, 91 लाख की। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 91 लाख। माइनस, पहले आप माइनस करोगे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, और एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर हैं 50,000। फिर बेटा आप बताना जरा लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। आपने बेटा लैंड 98 में खरीदा था और पूरा हाउस प्रॉपर्टी बना के आपने बेचा 2021 में, तो लॉन्ग टर्म है बेटा। इंडेक्सेशन होगा माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अपने आप बताना बेटा क्या खरीदा था, लैंड मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी थी 1st April 2001 से पहले खरीदी थी, तो रूल क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसको माना जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू ऑब्लिक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फिर से नहीं है तो फेयर मार्केट वैल्यू को ले लेंगे 2 लाख, दोनों में से जो भी हायर है तो 2 लाख हायर आ रहा है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 लाख इंटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर 301 डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन। 98-99 का CII तो होता ही नहीं है, तो 2001-2 का ले लेना सबसे पहला वाला 100, तो 2 लाख, 6,02,000। ठीक है बेटा, पता है एक बात याद रखना, अगर आप जमीन खरीदते हो, लैंड खरीदते हो और लैंड के ऊपर घर बनाते हो, लैंड खरीदते हो और उसके ऊपर घर बनाते हो, तो बेटा लैंड तो चला जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्योंकि खरीदा है, जो कंस्ट्रक्शन होती है ना बेटा दैट इज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो जो घर आपने बनाया है ना वो एक्विजिशन में नहीं आएगा क्योंकि खरीदा नहीं है, घर बनाया है, कंस्ट्रक्शन इज नोन एज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो देखो आपने 4-5 में ग्राउंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट करा बेटा और कंस्ट्रक्शन पे खर्चा आया 6 लाख का, इसे कहेंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। फिर देखो आपने 4 लाख रुपए का खर्चा और किया फर्स्ट फ्लोर के कंस्ट्रक्शन पे 7-8 में, ये भी क्या है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो लिखो माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट।
तो बेटा पहला इम्प्रूवमेंट पे खर्चा आपने कब किया और कितने का किया? 6 लाख का 4-5 में। तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 6 लाख इंटू सी आई आई ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर 301 डिवाइड बाय सी आई आई ऑफ 4-5। तो 4-5 का सी आई आई देखना 113। तो 6 लाख इंटू 301 डिवाइड बाय 113 159,8230। ये पहली आ गई इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ग्राउंड फ्लोर की। ये आ गई ग्राउंड फ्लोर की। अब बात करते हैं इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट फर्स्ट फ्लोर की। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट फर्स्ट फ्लोर की बेटा कब खर्चा किया, कितना किया जरा बताना मेरे को। देखो आपने 4 लाख रुपए का खर्चा किया 7-8 में, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 4 लाख इंटू सी आई आई ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर 301 डिवाइड बाय 7-8 का सी आई आई डिवाइड बाय 7-8 का सी आई आई बेटा 7-8 का है 129। तो 4 लाख इंटू 301 डिवाइड बाय 129 9,33,333। लो बस ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सॉल्व करो 91 लाख माइनस 50,000 माइनस 6 लाख 2,000 माइनस 15 लाख 98,000 230 माइनस 9 लाख 33,000 333। तो 59 लाख 16,000 437 ये आपका आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लो बेटा कॉपी करो। मेरे ख्याल से बच्चे जितने क्वेश्चंस हमने अब तक करें क्लियर हुए। कल से फिर एक न्यू सेक्शन शुरू करेंगे। 7 क्वेश्चंस हमने टोटल कवर करे हैं आज। सबको क्लियर हो गया पक्का? चल बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।